ये नाज़ ये अंदाज़ हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता। सरकार अगर आप हमारे नहीं होते। गुजरांवाला की एक तहसील कामों की के ये मनाज़िर हैं। मैं अक्सर सोचता था कि ना हमारी ये हैसियत है, ना हमारे ऐसे आमाल हैं, ना हमारी ये औकात है, फिर क्या वजह है कि रब करीम ने इतना नवाजा। ना हम MNA हैं, ना हम MPA हैं, ना हम काउंसलर, ना UC चेयरमैन, कुछ भी तो नहीं है। ना किसी बहुत बड़े जागीरदार या बहुत बड़े नवाब के हमें विरासत में ये सब कुछ मिला हो, ना कोई इतना बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड, फिर क्यों ये सारी इज्जतें मिल रही हैं। तो एक चीज़ जो बार बार मेरे जहन में आती है, जो इकबाल कहता था कि की मोहम्मद से वफा तू ने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। असल बात ये नहीं कि यहाँ पर शहीद सियालवी को इज्जत मिल रही है, ना मेरी ये हैसियत है, ना मेरी औकात है। ये इज्जत उस नज़रिए को मिल रही है जिस नज़रिए की जंग हम लड़ रहे हैं। मैं अक्सर अपने नौजवानों से कहता था कि मैदान में निकलो और फिजाए बदर पैदा करना तुम्हारा काम है, फिर तुम्हारी मदद और नुसरत के लिए फरिश्ते भेजना ये अल्लाह ताला का काम है, और अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिल, लोग आते गए, कारवां बनता गया, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।